फ्रेंड्स, डोमेस्टिक उड़ानों से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरें जान लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले खबर आ रही है यहाँ पर गो एयर की तरफ से। गो एयर यहाँ पर अब शनिवार से रोजाना की 100 उड़ानों को शुरू कर चुकी है। इन 100 उड़ानों में गो एयर लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट को जोड़ने वाली है। इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल होंगे। इसके अलावा गो एयर सितंबर महीने में अपनी उड़ानों की कैपेसिटी को 45% तक अचीव कर लेगी और अक्टूबर महीने में 60% तक पहुंच जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट को लगभग सभी उड़ानों के लिए खोला जा चुका है। इसके साथ साथ इसके रनवे का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि कोलकाता एयरपोर्ट का रनवे सही है या फिर नहीं। इसके लिए एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ साथ एयर इंडिया इंडिगो के पायलट ने भी रनवे का निरीक्षण किया। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया गुजरात के अलग अलग एयरपोर्ट से भारत के लगभग सभी शहरों के लिए उड़ानों की शुरुआत कर चुकी है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और भुज जैसे शहरों से भारत के अलग अलग शहरों के लिए उड़ानों की घोषणा की जा चुकी है। एयर इंडिया अपने कुछ घरेलू उड़ानों के ऊपर 50% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस डिस्काउंट के लिए कुछ शर्तें और नियम है। यदि आप आने वाले समय में एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अवश्य ही ये 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स करें।